हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनवस। आज मैं ड्रेप करने वाली हूँ एक और तरह की साड़ी जो कि श्रीलंका की ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल है। इसे हम ओसारिया भी बोलते हैं। एक्चुअली इस साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल के बारे में मुझे भी पहली बार पता चला है। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे मेरी एक वीडियो पे अपना कमेंट लिखा, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप श्रीलंकन स्टाइल साड़ी ड्रेप करके दिखाइए। फर्स्ट टाइम मैं भी इसको ड्रेप करने वाली हूँ और मैं इनफैक्ट यूट्यूब से ही मैंने सीखा है। इसके लिए मैंने एक कॉटन की साड़ी ली है। मुझे लगा कि ये लाइट वेट साड़ी और ब्राइट कलर की साड़ी उस स्टाइल में ज़्यादा फिट होगी, तो मैं अभी ड्रेप करने वाली हूँ। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये स्टाइल, तो चलिए देखते हैं। ये ड्रेपिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत हम करते हैं साड़ी के एंड से। जो साड़ी का एंड पार्ट होता है उसका हम आंचल का प्लीट बनाते हैं और उसको लेफ्ट शोल्डर पे रखते हैं और सामने कमर में बांधने के लिए हमें डोरी की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे मैंने अपना आंचल पहले से रेडी कर लिया था। अब डोरी बांध ली है। साड़ी के दूसरे हिस्से को मैं ले आऊँगी, जो आंचल का हिस्सा है उसको फ्रंट में ले आऊँगी और नाप के देख लेंगे इस तरह से फ्रंट में कितना चाहिए, उतना फैब्रिक छोड़ के वहाँ से हमें प्लीट बनाना शुरू करना है। और प्लीट्स बना के हमें जो हमने डोरी बांध रखी है उसके अंदर से बाहर की तरफ निकालना है, जैसे हम नॉर्मल साड़ी ड्रेपिंग में अंदर की तरफ टक की तरफ करते हैं, उस तरह से नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से प्लीट्स बना के हम उस डोरी के अंदर से बाहर की तरफ इसको निकालेंगे और फिर इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से पीछे की साइड में भी करना है, जैसा कि आपने देखा वीडियो में, पीछे की साइड भी हमें बाहर की तरफ ही निकालना है साड़ी को। और फिर अब सारी प्लीट्स बन गई हैं तो इसको थोड़ा स्प्रेड आउट कर लेंगे प्लीट्स को, और फिर जो फ्रंट का पार्ट है, जो फैब्रिक हमने छोड़ा था आंचल का, उसको हम फ्रंट में टक इन कर लेंगे उसी डोरी के अंदर इन प्लीट्स के नीचे की तरफ से। इस तरह की साड़ी ड्रेपिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको साड़ी ऐसी लेनी है जिसमें फॉल ना लगी हो, क्योंकि अगर फॉल लगी होगी तो आंचल उसका, अगर आप आंचल का प्लीट्स बनाएंगे तो उसमें फॉल दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरह की साड़ी लेनी है जिसमें फॉल ना लगी हो। देखिए इस तरह से फ्रंट में हम इसको, इस हिस्से को भी उसी तरह से टक इन कर लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे हम सारी प्लीट्स को। और बस साड़ी हो गई है ड्रेप। अब इसको अरेंज करके अच्छे से थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेंगे और फिर आप रेडी हैं। अपने हिसाब से आप ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। इस तरह की ड्रेपिंग मुझे काफ़ी डिसेंट ड्रेपिंग लगी है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है और डिफरेंट भी है। तो आप भी इस तरह की ड्रेपिंग ट्राई कर सकती हैं कहीं भी किसी भी ओकेजन के लिए। अब यहाँ से जो पिन्स मैंने लगा रखी थी वो निकाल ली है। देखिए ये वीडियो आपको और ड्रेपिंग स्टाइल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हो सकता है इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी की हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये काफ़ी नया स्टाइल है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें और बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।